हेलो दोस्तों, जय श्री कानंदी। स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेस्ट में। आज हम एक नई तरीके की पूरी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को टिफिन में देंगे तो पूरा टिफिन फिनिश कर देंगे, और टिफिन बनाने में हमें भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वैसे हमें अलग से सब्जी बनानी पड़ती है और फिर हमें रोटी भी बनानी पड़ती है। इन पूरियों में सब्जी और रोटी दोनों ही का स्वाद आएगा और ये बहुत ही झटपट बन जाती है। बच्चों बड़ों सबको पसंद भी आती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए हम एक जार में एक कटोरी मटर लेंगे, थोड़ी सी फूल गोभी लेंगे और अदरक और लहसुन के कुछ कलियाँ ले लेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। उसके बाद में हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। फिर जो हमने मटर और गोभी को पीस के रखा हुआ है उसे इसमें डाल दीजिए, और कुछ मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। और फिर इस मसाले को 2 मिनट के लिए हम गैस पर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, क्योंकि कितना अच्छा और टेस्टी मसाला है। अब इस मसाले को हम इस प्लेट में निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस मसाले को हम रख भी सकते हैं, खराब नहीं होता है। फिर हम पूरी का आटा लगा देंगे और फिर पूरी में इस मसाले को भर देंगे और फिर मज़ेदार पूरियाँ फ्राई कर देंगे। तेल गर्म हो जाए, अब हम पूरियों को तेल में डाल के फ्राई करेंगे। ये पूरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, और अगर एक बार आप अपने बच्चों के लिए पूरियाँ बनाते हैं तो बार बार आपसे इसे ही पूरी बनाएंगे। इससे बच्चे मटर भी खा लेते हैं, सब्जियाँ भी शौक से खा लेते हैं। अभी पूरी पूरी पूरियाँ बन गई हैं, इसे आप अचार या दही के साथ खा सकते हैं। वैसे तो ये रोटी पूरियाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। पूरियाँ बन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पूरियाँ बन के तैयार है। अब मैं आपको इसे पूरियों को दिखाती हूँ, अंदर से मसाला कितना अच्छा बनेगा। देखिए अंदर तक मसाला भरा हुआ है, कितनी टेस्टी लग रही है। ओके, थैंक यू।